Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज फिर से मिल रहे हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब को दबाओ यार, जल्दी से सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और घंटे को भी बजा दो। तो यार आप में से कई लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, और अगर आप वीडियोस को देखते हैं तो आपको इसका मतलब वीडियो पसंद तो आ रही है। तो यार सब्सक्राइब भी करो यार, प्लीज रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब करे मत जाओ। तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो सबसे पहले देखिए। तो आज यार हम यहाँ देखेंगे जो हमने मैसेज किया था डेवलपर्स को रिगार्डिंग कि हमें जो है अपने डार्क एलिक्सर जो है यूज करने वॉल्स अपग्रेड में, तो उनका जो मैसेज आया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यार हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके आप दोबारा वही चैट वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उनका मैसेज आपको आया है नहीं आया है। तो यार यहाँ पे देखो इनका मैसेज आया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये मैसेज किया हुआ था और इनका रिप्लाई फिर यहाँ पे ये आया हुआ है। तो ये कहते हैं कि यार थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, दैट अ ग्रेट आइडिया, द ट्रूथ इज दैट आई हैव हर्ड दिस आइडिया बिफोर। ऑब्वियसली यार कईयों ने मैसेज कर रखा होगा पहले भी, सो आई नो व्हाट इट इज नीडेड फ्रॉम योर साइड, तो उन्हें भी समझ में आ रही है चीज। तो उसके बाद कहते हैं कि फील फ्री टू शेयर योर आइडिया एंड रेस्ट अश्योर्ड दैट आवर डेवलपर्स विल टेक अ लुक एट इट। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों को, क्लाइंटमेट्स को भी ये जो है मैसेजेस आए हैं, सबको अलग अलग से आए हैं कुछ। तो उसमें से एक दोस्त को ये मैसेज आया हुआ है कि जो क्या कहते हैं हर टीएच के लिए अवेलेबल नहीं करा सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि यार जब जिस टीएच पे हीरो शुरू होते हैं जो कि हमारा टीएच 9 है, तो वहां से ही डार्क एलिक्सर की बहुत किल्लत होने लग जाती है क्योंकि नए नए हीरोज आते हैं, सबको अपग्रेड करना होता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो जो उसको मैसेज आया था उसको सपोर्ट ने ये मैसेज किया था कि हम जो है टीएच 11 या 12 ऑनवर्ड्स ही शुरू कर सकते हैं, उसके नीचे ये बेवकूफ़ी होगी। और ये सही बात है, बेवकूफ़ी ही होगी। तो टीएच 11 12 13 वाले खुश हो सकते हैं और 11 वाले थोड़े दुखी हो सकते हैं और खुश भी हो सकते हैं, उनका कुछ अभी अता पता नहीं है। 12 13 तक के आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको, मतलब डार्क एलिक्सर से वॉल अपग्रेड के चांसेस है जो फ्यूचर अपडेट्स आएंगे उसमें। तो यार इसकी बात तो यही थी, और आज की वीडियो में जो यार मेन चीज है वो ये कि कौन सा जो है अपनी आर्मी बेस्ट है लूप मारने के लिए अगर आपके पास सुपर ट्रूप्स नहीं है। तो अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें जो है लूप की जो वीडियोस थी मैंने सुपर ट्रूप्स का यूज दिखाया हुआ था, बट यार दिक्कत ये है ना सुपर ट्रूप्स जो आपके टीएच 11 से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो सुपर ट्रूप का ये घर है, पता नहीं इतने सारे कैसे रहते हैं इसके अंदर, बट ये है तो घर, तो इसको क्लिक करो और यहाँ पे ये जो सुपर ट्रूप्स है ना आप हर किसी के लेवल क्लिक करके चेक कर सकते हो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो ये जो है ना टीएच 11 से स्टार्ट होता है, और 11 में भी ऐसे नहीं कि आपने अपग्रेड कर दिया और आपके जो है ट्रूप लेवल तो होते टीएच 10 की ही है स्टार्टिंग में, तो आप तुरंत से मतलब सुपर ट्रूप्स नहीं परचेस कर पाओगे। और सुपर ट्रूप्स परचेस करने के लिए भी डार्क एलिक्सर लगता है। यहाँ मैं दिखा दूं, जैसे कि अगर मेरे को ये परचेस करना है तो 50,000 जो है डार्क एलिक्सर लगता है। सिमिलरली आप जायंट का भी देख लो, 50K, देन 55K, और इसका तो ज्यादा है 60K, इसका भी 60K कराऊंगा। तो ये है, तो यार मतलब दिक्कत फायदा किसको है सुपर ट्रूप्स का, जो टीएच 11 में आ चुका है जिसके पास हैमर्स या पुक्स हैं और वो तुरंत ही जो है सुपर बॉब से सुपर बॉब्स को अपग्रेड कर ले, उसके बाद वो फायदा उठा सकता है। और टीएच 11 ऑनवर्ड्स यानी 12 और 13 को तो ऑलरेडी बेनिफिट है। तो यानी ये जो वीडियो है ये उनके लिए है जो सुपर ट्रूप्स का फायदा नहीं ले सकते, यानी कि टीएच 10 स्टार्टिंग वाले जिनके पास हैमर्स या बुक्स नहीं है, या उनके नीचे जो टीएच 10 हो गए स्पेशली, क्योंकि इसमें मैं माइनस का जो है आपको अटैक दिखाऊंगा कि किस तरीके से माइनर्स कितने बढ़िया होते हैं लूट अटैक के लिए अगर आपके पास सुपर ट्रूप्स नहीं है, आपका जो है काफी सेफ भी हो जाता है। तो यार यहाँ पे मैं आज लाइव अटैक नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे जो प्रीवियस अटैक्स हैं वही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ जो मेरी सबसे लेटेस्ट अटैक थी लूट की 100%
इसका रीप्ले देखते हैं और पता करते हैं क्यों ये बेस्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा ही डेड बेस है, तो यहाँ पे यार मतलब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट लूट जो है मेरे को गोल्ड से ज्यादा मतलब था अभी, क्योंकि आप देख पा रहे थे कि मेरा जो एलिक्सर है वो फुल है, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने अपना जो खुद का वॉल रखा है वो भी छोड़ दिया। तो ये जो है ना यार पूरा बेस उड़ा सकता है माइनर, और अगर आपके सिर्फ कलेक्टर्स में फिल है और सिर्फ आपको उन्हीं से चाहिए तो वो भी आप लूट सकते हो, तो आपके हर काम हो सकता है माइनर से। तो यहाँ पे यार मैंने अपनी पूरी आर्मी खर्च दी थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एलिक्सर बहुत सारा है, तो यार मैं सेविंग की नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था कि किस तरीके से मेरे पास गोल्ड आ जाए बस। तो इसीलिए मैं कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा था, मुझे टीएच भी उड़ाना था, मुझे गोल्ड सारे चाहिए थे, एक गोल्ड भी नहीं छोड़ना था मुझे, तो मैंने बस अटैक कर दिया। तो यहाँ पे यार फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं अपन टू एक्सप्ले। देन 4x भी कर लो यार, फालतू ही चल रहा है। तो ये मजाक ही था क्योंकि ये डेड बेस था, तो डेड बेस पे तो आपने देख लिया आपकी मर्जी है, आपके अकॉर्डिंग आपकी जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अटैक कर सकते हो कि आपको पूरी आर्मी लगानी है, सीसी के ड्रोप्स भी लगाने हैं या नहीं लगाने। तो यार अपन अब जो सेकेंड अटैक देखेंगे वो एक्चुअली यार एक्टिव बेस था, डेड बेस नहीं था और ठीक ठाक बेस था, इसमें ही मैंने 100 कर दिया था, क्योंकि यार मेरे पास एलिक्सर काफी है तो मैं अपनी सारी आर्मी जो है खर्च कर दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा ठीक ठाक बेस था, उससे बेटर बेस है, वॉल्स भी इसकी अपग्रेडेड है, डिफेंसेस भी थोड़ी अपग्रेडेड है। तो यहाँ पे यार मेरे पास जो है 10 लाख की लूट थी, और 10 का जो है 1000 का डार्क भी था एलिक्सर, हालांकि मैं देख नहीं रहा हूँ कि मेरा फुल है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी आर्मी लगाई मैंने पुराने में भी थी क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था, और यहाँ पे क्या था यहाँ पे मजबूरी थी, वहां पे आप अगर नहीं भी लगाते ना अपने सीसी के ट्रूप्स और वॉल रखकर तो भी काम चल जाता, आप स्पेल्स यूज कर करके बचा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने वॉल रखकर को यूज नहीं करते तो मुश्किल है थोड़ा टिकना लंबे तक, तो आपकी लूट जो है ना थोड़ी बहुत भी रह जाती, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों लूट जो है अभी उसमें भी कलेक्टर फिल्स थे, इसमें भी कलेक्टर फिल्स थे, उसमें भी स्टोरेज फिल्स थे, इसमें भी स्टोरेज फिल्स थे, तो वो यार दिक्कत हो जाती थी, और ऊपर से इसमें तो मल्टी इन्फर्नो है, तो आपकी एक ही बार में वो सारे माइनस को डैमेज देगा। तो आप इसका फायदा ऑफ कोर्स समझ पा रहे होंगे कि अगर आपके पास सुपर ट्रूप्स नहीं है तो ये बेस्ट है यार, बेस्ट, आपकी ट्रॉफी पुश भी हो रही है, आपको बोनस भी मिल रहा है 3 साल करने का, आपको लूट भी मिल रहा है। तो होप सो यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होंगी बातें, और आप अप्लाई करेंगे इसको जाके। तो यार अपन अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।